हेलो जी, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। आज के दिन हम आ चुके हैं वापस फोटोशूट पे। काफी दिन से हमने फोटोशूट नहीं किया था, तो आई थॉट क्यों ना आज हम शूट करें एंड इसको हम रिकॉर्ड भी करें ताकि आप लोगों को दिखाऊं कैसे कैसे जगह पे शूट कर रहे हैं। आज हम शूट करने आए हैं, ये एक बहुत ही मस्त सी लोकेशन है, बहुत खाली सी सुनसान सी जगह है। तो अभी हम जिन रस्तों पर चल रहे हैं बहुत ही कच्चे से रस्ते हैं, हमने गाड़ी ऊपर लगा दी और पैदल यहाँ से निकल रहे हैं। इस पूरे रस्ते में कोई नहीं है, बस यहाँ पे जानवर आते हैं, वो अपने साथ कलौंडा हिमांशु चला गया आगे एंड यार स्पार्क्स। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे नीचे। नीचे एक नदी भी है, हमने नदी में शूट करने का सोचा था इसलिए मैंने ये लोकेशन चूज़ की। और नदी के अलावा वहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेम्स हमारे आ जाएंगे। बाकी देखते हैं कैसा ये शूट रहता है। मैं एक बार यहाँ पे ना पहले भी आया था शायद। फाइनली हम लोग पहुँच चुके अपने रिवर साइड पे। हालांकि यहाँ पे पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी फोटोज़ के लिए काफ़ी है ना। तो सबसे पहले मेरे को ये नदी बहुत मस्त दिख रही है और हम लोग ना चेयर लेके आ रखे हैं, चेयर को नदी के बीच में रखते हैं कुछ और वहाँ कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं। थोड़ी कंसेप्चुअल सी आएंगी फोटोज़, लेकिन उसके लिए मैं अपने शूज़ खोल लेता हूँ। पता नहीं मैंने ब्लैक आउट पे वाइट शूज़ क्यों पहन लिए थे यार, शायद मुझे पता था कि मुझे खोलने के बाद। चलो भाई आ जाओ, हमारे पास शूट करने के लिए आज है 85mm सिग्मा का। तो 85 और 135 कौन सा चूज़ करोगे? 135 क्या? 85 चूज़ करोगे? तो पूछे ही क्यों? 135 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यार, और प्लस 1.4 के फायदे भाई साहब आपको पता ही। चलो भाई नदी के बीचों बीच जाके हम शूट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ना एक कुर्सी लगा दी है बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है पानी। इस कुर्सी पे हम बैक लाइट से कुछ क्लिक करने वाले हैं फोटोज। यार यहाँ पे पत्थरों पे चलना बहुत मुश्किल होगा, पैर फिसल जाएगा। मेरे को डर लग रहा है कि मेरा कैमरा ना गिर जाए, मैं तो ठीक हो जाऊंगा लेकिन कैमरा। अरे भैया 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 भाई साहब, बहुत ही सही सही फोटो आ रही है नदी में हमारी, 3-4 फोटो बहुत मस्त आ चुकी है। अभी एक और आइडिया है हमारे पास कि हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे बैग पकड़े जैसे नदी क्रॉस कर रहे हैं वो वाला कुछ पॉइंट लेंगे। भाई एक बैग देना मेरे पास कोई भी, ये ले लूँ क्या? ये बैग पकड़ के हाथ में मैं कुर्सी पकड़ के जाऊँगा और मस्त ऐसे। लेकिन यार कलरफुल और कपड़े मेरे ब्लैक वाले चले। बाय द वे, अगर आप लोग जानना चाहते हो मेरे कैमरा बैग में क्या क्या रहता है, आई मीन व्हाट्स इन माय कैमरा बैग, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अरे भाई 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 बहुत ही रिस्की हमने शूट की फोटोज आए यहाँ पे, मतलब 2-4 बार तो मैं गिर गया पर फोटोज तो वर्थ इट थी भाई, फोटो बहुत ही वाले यार, पूरी पैंट गीली होगी यार मेरी। पानी भी नहीं है तभी भी गिर रहे हैं भैया। अब तो आदत सी भाई, आई गेस यहाँ पे बहुत ही कमाल की रील हमारी आ सकती है ये इस स्पॉट पे, बाकी देखते कैसी बनती है, लेट्स सी। अरे भाई साहब क्या ही सही लग रही है, ये पानी से फेंकते मस्त लग रहा है।
अब मैं इसको एडिट करूंगा वीटा ऐप से और वीडियो बहुत ही कमाल की बन जाएगी। अभी दिखाता हूँ कैसे। वीटा एक ऐसा एडिटिंग ऐप है जहाँ पे आप अपनी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एडिट कर सकते हो विदाउट एनी वाटरमार्क। अब जैसे कि देखिए मैंने अपनी सारी वीडियो क्लिप्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है जो मैंने रील के लिए शूट की थी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है स्टाइल, स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज है, यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए विंटर, तो ये मेरी वीडियो को ऑटोमेटिकली इस वाले इफेक्ट में बना देगा, सारा म्यूजिक एंड कलर ग्रेडिंग सब कुछ अपने आप कर देगा। एंड इस तरीके से हमें बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स मिलते हैं, तो इस वाले के लिए मैं पर्सनली कौन सा चूज करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज है डिजिटल ब्लिंग, तो जैसे कि हम ये चूज़ कर लेते हैं, देखिए कितना सही यहाँ पे इफेक्ट बन चुका है और इसका म्यूजिक भी लग चुका है इस पर ऑटोमेटिकली, बहुत सारे ओवरलेज भी हैं। इसको डन करते हैं यहाँ से। एंड एक और चीज़ जो मेरे को इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है वो है यहाँ से इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में हम चलेंगे एंड यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ से ये वाले इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव इफेक्ट्स आपको मिलते हैं जो आजकल रील पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे कि ये देखिए फेक यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे बोके ब्लर वाला, ये पल्स वाला, तो ऐसे जो भी इफेक्ट आपको अच्छे लगे यहाँ से आप बहुत सारे लगा सकते हैं। ये सारे इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ से ये वाला इफेक्ट चूज़ करता हूँ फोटो स्टैक वाला जो कि काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है, इसको डन करते हैं। इसके अलावा आप इन इफेक्ट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं एंड अपनी वीडियो को आप कट या क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं एंड आप इसका साउंड म्यूट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इस ऐप के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे कि अपनी वीडियोज को, व्लॉग्स को या फिर रील्स को काफ़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। अब मैंने अपनी वीडियो को यहाँ पर एडिट कर लिया, चलेंगे यहाँ से बैक एंड सो करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो बिल्कुल एक्सपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पे प्ले करते हैं इसको। तो ये थी वीटा ऐप, इसके अंदर आप अपनी वीडियोस को बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी वाटरमार्क एडिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करिए एंड अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए इसको यूज करिए। चलो भाई नेक्स्ट फोटो हम क्लिक करने वाले हैं, थोड़ी सी एडवेंचर वाली, मतलब ऐसा लगेगा हम पहाड़ों में आ रखे हैं, पहाड़ों में एक्चुअली आ रखे हैं। तो छोटा सा पहाड़ में ये दिख रहा है, इसको हमने बिल्कुल लो एंगल से लेंगे तो फोटो बिल्कुल ऐसे लगेगी पहाड़ों वाली। तो आ जाओ भाई मान से ऐसे बैठ जाना, बैग भी डालो ताकि ऐसा लगे तो मैं बिल्कुल एडवेंचर कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है असली में पहाड़ में गए, मतलब जो कि असली में पहाड़ में गए हैं लेकिन फिर भी बहुत कम एकदम कोई इकलौती जैकेट दिया कोई। That's the reason I love backlight portraits. Next day में हम चाह रहे हैं ये कुर्सी हम कहीं पे रखें और मस्त ऐसे में खाली पंसा दिखे। You know guys, photos के लिए बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ता है, like मैं क्या ही बताऊँ, live करो। वाह, क्या acting कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पैकअप करने वाले थे लेकिन मुझे लगा कि यार ये वाली लाइट बहुत प्यारी लग रही है और मुझे याद है हमारे पास लाइट भी है, हालांकि शॉर्ट बॉक्स गाड़ी में है लेकिन हम डायरेक्ट लाइट का यूज़ कर लेंगे, लेकिन फोटो ये वाली क्लिक करनी है क्योंकि बहुत प्यारी है लाइटिंग करनी है।
सो दैट्स इट गाइस, हमारी काफी सारी कमाल की फोटोज आ चुकी है और इस लाइटकम ने बहुत अच्छे से यूज कर लिया है। वैसे आपको सबसे बेस्ट फोटो कौन से लगी कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कैसे हम लोग फोटोज को क्लिक करते हैं, कैसे नॉर्मल से लोकेशन का यूज करके हम फोटो को बहुत ही अमेजिंग क्लिक कर लेते हैं। एंड आई थिंक इससे कुछ ना कुछ सीखे आप लोग अपनी फोटो क्लिक कर सकते हो। तो जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। एंड हाँ, ये सारी फोटो मैं पोस्ट करने वाला हूं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो ये रहा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके फॉलो करो और यहाँ पे मेरी सारी फोटो चेकआउट कर सकते हो आप लोग। और हाँ, ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, यहाँ पे हमने बहुत ही कमाल का एक फोटो शूट किया था फ्लैश लाइट का यूज करके। तो ये रहा लिंक, इस पर टैप करो और चेक इट आउट।